हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंतर्गत लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे। तो लॉजिक गेट जो होता है, ये एक डिजिटल सिस्टम होता है जहाँ पे हम इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज में, जो इनपुट वोल्टेज होता है और आउटपुट वोल्टेज, तो इसको हम बाइनरी नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। इन अगर 0 वोल्ट इनपुट में है तो उसकी बाइनरी नंबर की वैल्यू 0 लेते हैं, और 5 वोल्ट इनपुट पे बाइनरी नंबर की वैल्यू 1 लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में। तो देखिए, नॉट गेट क्या होता है, इसको हम इस तरह से सिंबल से शो करते हैं। ये नॉट गेट का सिंबल होता है। इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। ये इनपुट को शो करेगा और ये आउटपुट। तो इसका हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे नॉट गेट के लिए। तो देखिए, जब यहाँ पर डिजिटल सिस्टम में इनपुट की वैल्यू 0 हम लेंगे, ये ए इनपुट है और ये वाई आउटपुट। तो जब इनपुट सिग्नल 0 लेंगे तो आउटपुट में जो वैल्यू आती है ये 1 आती है नॉट गेट के लिए, और जब इनपुट में 1 लेंगे तो आउटपुट की वैल्यू वाई आएगी। ये हम इसको लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए बार, इस तरह से। तो ये इसका फार्मूला होता है। इसके बाद और गेट। और गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ये और गेट का सिंबल होता है। यहाँ पर 2 इनपुट लेते हैं, ये ए एंड बी, ये 2 इनपुट होंगे, और यहाँ पर एक सिंगल आउटपुट होता है। ये और गेट का सिंबल होता है। 2 इनपुट ए बी होंगे और यहाँ पर ये एक आउटपुट होगा, तो ये और गेट का सिंबल हो जाएगा। अब इसके लिए हम ट्रुथ टेबल यदि के ड्रॉ करेंगे, तो ये इस तरह से ट्रुथ टेबल बनेगी और गेट के लिए। ये ए इनपुट, ये बी इनपुट और ये वाई आउटपुट। तो यहाँ पर इनपुट ए और बी, अगर दोनों इनपुट की वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू 0 मिलेगी। इनपुट ए को 0 लेते हैं, बी को 1 लेते हैं, तो आउटपुट की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगी। यानी यहाँ पर ए में सिग्नल हम 0, कोई सिग्नल ना दें, 0 वोल्ट अप्लाई करें। बी पे 5 वोल्ट जो हम वैल्यू लेते हैं उसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ए पे इनपुट 1 देंगे, बी पे 0 देंगे, तो वाई आउटपुट 1 मिलेगा। और ए और बी दोनों पे सिग्नल 1 देंगे तो आउटपुट वाई की वैल्यू 1 होगी। इसके लिए जो ये फार्मूला बनता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ए 0 होगा, बी 1 होगा, तो वाई 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 1 1 लेते हैं, 1 प्लस 0 1 लेते हैं, और 1 प्लस 1 भी 1 होता है। 0 प्लस 0 0 होगा। तो ये इसका फार्मूला आता है। अब देखिए, हम एंड गेट देखें तो एंड गेट का सिंबल इस तरह से बनता है। यहाँ पर ए और बी 2 इनपुट होंगे और एक सिंगल आउटपुट होगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए जब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रुथ टेबल बनेगी। यहाँ पर ये इनपुट ए बी और ये वाई आउटपुट। तो यहाँ पर जब हम ए में इनपुट सिग्नल 0 देंगे और बी में भी 0 देंगे, दोनों में सिग्नल 0 जब देंगे, तो जो एंड गेट में होता है वाई में सिग्नल जो आउटपुट आएगा ये 0 मिलता है। ए में सिग्नल 0 दे रहे, बी में सिग्नल 1 दे रहे, तो जो यहाँ पर आउटपुट सिग्नल होता है इसकी वैल्यू 0 होगी। ए पे सिग्नल 1 दे रहे हैं, बी पे 0 दे रहे हैं,
तो यहाँ पर वाई पे जो सिग्नल होगा ये जीरो होगा, और दीगर ए पे सिग्नल वन देंगे, बी पे वन देंगे, तो जो वाई पे सिग्नल मिलेगा ये वन मिलता है। इसके लिए जो बूलियन फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। जीरो इंटू वन जीरो मिलेगा, जीरो इंटू वन जीरो होगा, वन इंटू जीरो जीरो होगा, और वन इंटू वन वन होगा। तो ये बूलियन फार्मूला होता है इसका, और ये ट्रुथ टेबल होती है। अब इसके बाद नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है इस तरह से हम नैंड गेट का सिंबल बनाते हैं। नैंड गेट जो होता है ये एंड और नॉट गेट को मिला के बनता है। तो यहाँ पर हम पहले एंड गेट बनाएंगे और उसके बाद ये नॉट गेट। देखिए ये एंड गेट हो गया, यहाँ पर इनपुट ए और बी दो होंगे, और यहाँ से ये आउटपुट जो मिलेगा इसको हमने एक्स लिख दिया, और उसके बाद हम नॉट गेट लगाएंगे और यहाँ से ये आउटपुट वाई मिलेगा। तो एंड प्लस नॉट गेट को मिलके बनता है। अब इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसके जब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे ये ए बी, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट एक्स मिलेगा, और ये फाइनल आउटपुट जो होगा एंड गेट का वो वाई होगा। तो जब ए पे इनपुट जीरो देंगे, बी पे इनपुट जीरो देंगे, तो एंड गेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन एक्स जो आउटपुट होगा ये जीरो मिलेगा, और जीरो का नॉट वन हो जाएगा। ए पे इनपुट जीरो देंगे, बी पे इनपुट वन देंगे, तो जीरो इंटू वन जीरो होगा, जीरो का नॉट वन हो जाएगा। ए पे इनपुट वन दें, बी पे जीरो देंगे, तो ये इंटरमीडिएट एंड गेट से ये जीरो मिलेगा, और जीरो की नॉट वैल्यू जो होगी वो वन होगी। ए पे इनपुट वन, बी पे इनपुट वन, तो ये एक्स की वैल्यू वाई होगी, और इसकी नॉट वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो ये ट्रुथ टेबल बनती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखें ये ए बी वाई, तो ये जीरो जीरो पे वाई की वैल्यू वन होगी, जीरो वन ए और बी पे इनपुट ले रहे हैं तो ये वाई वन होगा, ए पे इनपुट वन बी पे जीरो तो भी वाई की वैल्यू वन होगी, और ए पे इनपुट वन बी पे इनपुट वन तो ये वाई की वैल्यू जीरो। तो ये ट्रुथ टेबल होती है नैंड गेट के लिए। इसका हम बूलियन फार्मूला लिखेंगे। तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी बार, ये बूलियन फार्मूला होता है नैंड गेट के लिए। अब देखिए हम नॉर गेट के बारे में बताएंगे। तो जो नॉर गेट होता है ये इस तरह से नॉर गेट का सिंबल होता है। ये और नॉट गेट को मिला के बनता है। ये हम और गेट लेंगे और इसके साथ में ये नॉट गेट लगाएंगे, तो ये इन दोनों गेट को मिला के ये बनता है नॉर गेट। तो यहाँ पर ए और बी दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा। तो ये देखिए हमने मैंने और नॉट गेट बनाया है। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये ए इनपुट बी इनपुट, ये इंटरमीडिएट एक्स, और फाइनल जो यहाँ पे मिल रहा है वो वाई। तो जब इनपुट ए की वैल्यू हम जीरो लेंगे, यहाँ पर ए पे सिग्नल जीरो होगा, बी पे सिग्नल जीरो होगा, तो और गेट में जो एक्स ये मिलेगा ये जीरो मिलेगा, और इसकी नॉट वैल्यू वन हो जाएगी। जब ए पे सिग्नल जीरो लेंगे, बी पे वन लेंगे, तो ये एक्स की वैल्यू वन होगी और इसकी नॉट वैल्यू जीरो होगी। ए पे सिग्नल वन होगा, बी पे जीरो होगा, तो ये वैल्यू एक्स की और गेट से वन मिलेगी, और का नॉट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ए पे सिग्नल वन, बी पे वन, तो ये एक्स वाई
एक्स की वैल्यू 1 होगी और इसकी नॉट वैल्यू 0, यानी जो नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनेगी नॉट गेट के लिए, ये ए बी और डायरेक्ट वाई लिखें तो 0 0 इनपुट पे ये वाई 1 मिलेगा, 0 1 इनपुट लेंगे तो वाई के वैल्यू 0 आएगी, ए पे इनपुट 1 बी पे 0 तो ये आउटपुट 0 होगा, ए पे 1 बी पे 1 तो भी ये 0 आएगा। और इसका जो फार्मूला आएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, ये आता है बूलियन फार्मूला नॉर गेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम इस सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर गेट है और ये नॉट गेट, तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट एक्स ले लेते हैं और इसका हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर गेट के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स होगी और ये फाइनल आउटपुट वाई। तो इसके लिए जो हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये होगा इस तरह से, ए इनपुट बी इनपुट, यहाँ से जो मिलेगा इसको हम एक्स लिख लेते हैं और ये इस तरह से वाई। तो यहाँ पर जब इनपुट 0 ए और बी दोनों 0 लेंगे तो जो नॉर गेट से वैल्यू हमको मिलती है सिग्नल की वैल्यू, तो 0 0 का और होता है 0 0 का नॉट 1, यानी नॉर से जो वैल्यू आती है ये 1 आती है और 1 की नॉट वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इनपुट ए को 1 लें बी को 0 लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 0 की नॉट वैल्यू 1। अब ए को 0 लेते हैं बी को 1 लेंगे तो ये वैल्यू नॉर गेट से जो मिलेगी ये 0 होगी और 0 की नॉट वैल्यू हो जाएगी 1, और ए पे इनपुट 1 बी पे इनपुट 1 देंगे तो भी नॉर गेट से जो वैल्यू सिग्नल की मिलती है वो 0 मिलेगी और 0 की जो नॉट वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो जो फाइनल आउटपुट आ रहा है, तो फाइनल आउटपुट फर्स्ट जब इनपुट ए 0 देते हैं बी 0 देते हैं तो ये 0 आ रहा है, ए 1 बी 0 पे 1 आ रहा है, ए इनपुट 0 दे रहे हैं बी 1 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा, और ए इनपुट 1 है बी 1 है तो भी ये 1 मिल रहा। तो ये पूरा सर्किट जो है ये और गेट की तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम इस सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये 2 नॉट गेट है और उसके साथ में ये नॉर गेट कनेक्ट है, तो इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनपुट ए और बी लिया, ये फाइनल आउटपुट वाई होगा, तो ए के लिए नॉट गेट से जो आउटपुट मिलेगा उसको मैंने ए डैश लिखा और बी इस नॉट गेट से जो आउटपुट मिलेगा उसको मैंने बी डैश लिखा है। तो इसकी जो हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो ए इनपुट जब 0 लेंगे तो इसकी नॉट वैल्यू हो जाएगी ये 1, और बी पे इनपुट 0 लेंगे तो इसकी नॉट वैल्यू होगी 1। अब ए और बी दोनों ये ए डैश बी डैश 1 1 हो गए, तो ये इनपुट नॉर गेट पे जब 1 1 होंगे तो इसकी जो नॉर वैल्यू आएगी तो 1 1 का और होता है 1 और 1 की नॉट वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आएगी 0। ए इनपुट 0 लेंगे तो ये नॉट से हो जाएगा 1 और बी को 1 लेंगे तो ये 0 होगा, इसकी जो नॉर वैल्यू आएगी ये 0 आएगी। ए पे इनपुट 1 लेंगे बी पे 0 तो ए 1 का नॉट 0 0 का नॉट 1, और 0 और 1 की जो नॉर वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब ए पे इनपुट 1 लें और बी पे 1 तो यहाँ पर ये नॉट वैल्यू 0 हो जाएंगी और 0 की नॉर वैल्यू होगी 1। तो जो फाइनल आउटपुट आ रहा है 0 0 0 1, तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है एंड गेट की, यानी ये डिजिटल सर्किट एंड गेट की तरह वर्क करेगा।
अब देखिए इस नैंड गेट के लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ये नैंड गेट है और इस गेट के लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये ए इनपुट है, ये दोनों इनपुट की जगह एक सिंगल इनपुट लेंगे, यानी ए की जगह भी ए को लेंगे और बी की जगह भी ए को लेंगे और ये फाइनल आउटपुट वाई होगा। तो ए को जब इनपुट हम जीरो देंगे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा और जीरो के लिए नैंड गेट यानी एंड प्लस नॉट, तो जीरो के लिए नैंड वैल्यू जो होगी ये वन हो जाएगी। और जब ए पे इनपुट वन देंगे तो ये वन के लिए नैंड वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये आउटपुट मिलेगा और ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है नॉट गेट की, यानी यहां पर नैंड गेट जो है वो नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ये दो नैंड गेट लिए हैं और इन दो नैंड गेट से जो आउटपुट मिलेगा तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट एंड नैंड गेट है, यहां से जो आउटपुट मिलेगा इसको हम एक्स लिख लेते हैं और फाइनल ये वाई मिलेगा। तो इसकी हम जब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से बनेगी ट्रुथ टेबल। ये इनपुट ए बी और ये एक्स वाई, तो देखिए यहां पर जब ए पे इनपुट हम जीरो देंगे और बी पे इनपुट जीरो देंगे तो जीरो जीरो से नैंड की जो वैल्यू मिलेगी ये वन मिलेगी, क्योंकि जीरो जीरो का एंड जीरो होगा और एंड की नॉट वैल्यू वन, तो ये आउटपुट वन मिलेगा। और जब ए पे इनपुट जीरो देंगे बी पे वन देंगे तो इससे जो नैंड वैल्यू मिलेगी देखिए जीरो जीरो के एंड वैल्यू होती जीरो जीरो का नॉट वन, तो ये वन मिलेगा। और जब ए पे इनपुट वन देंगे बी पे जीरो देंगे तो यहाँ से नैंड वैल्यू जो मिलेगी ये वन होगी। और जब इनपुट जीरो होगा ए पे वन और बी पे वन, तो यहाँ से जो नैंड वैल्यू मिलेगी, तो वन वन के लिए एंड होता है वन, वन का नॉट जीरो, तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए इस नैंड गेट से देखेंगे तो ये वन इनपुट है दोनों सिग्नल पे, तो वन का एंड होगा वन और वन की नॉट वैल्यू जीरो। यहाँ पर भी वन है तो इसकी नैंड वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसके लिए भी ये वैल्यू जीरो होगी और जीरो के लिए नैंड वैल्यू वन होगी, तो ये वैल्यू आएगी। ये इसकी ट्रुथ टेबल इस तरह से ड्रॉ होगी। तो ये पूरा सर्किट जो है वो जीरो जीरो जो हम इनपुट दे रहे हैं तो जीरो मिल रहा है, जीरो वन इनपुट पे जीरो और वन जीरो इनपुट पे जीरो और वन वन पे वन, तो ये एंड गेट की तरह वर्क कर रहा है। तो इस पूरा सर्किट जो वर्क करेगा वो एंड गेट की तरह वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये नैंड गेट दिए गए हैं और इस सर्किट के लिए हम जब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये इनपुट ए और बी हैं, यहाँ से जो आउटपुट ये मिलेगा ये ए डैश लिया मैंने और ये बी डैश, और ये फाइनल आउटपुट जो होगा वो वाई होगा। तो यहाँ पे हम ए को इनपुट जब जीरो लेंगे तो जीरो के लिए जो नैंड वैल्यू होगी वो वन हो जाएगी और बी को जीरो लेंगे तो इसकी भी नैंड वैल्यू वन होगी। अब वन वन यहाँ पे ये इनपुट हो गए तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वाई, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये जीरो हो जाएगी। ए पे इनपुट हम जीरो लेते हैं बी पे वन लेंगे तो ए के लिए नैंड, इस नैंड गेट के लिए जो वैल्यू होगी ये वन होगी और वन के लिए जीरो। और जब नैंड गेट पे इनपुट एक ए वन है ए डैश और ये जीरो है, तो इससे जो वैल्यू आएगी वन हो जाएगी। अब यहां पर हम इनपुट वन लेते हैं ए
तो ये ए डैश हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर बी को जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा वन, और जीरो वन ए डैश बी डैश की वैल्यू होगी, तो यहाँ से नैंड की जो वैल्यू आएगी ये वन हो जाएगी, और ए पे इनपुट वन, बी पे वन, तो ये जीरो जीरो हो जाएंगे, और जीरो जीरो के लिए नैंड वैल्यू जो आएगी वन आएगी। ये जो वर्क कर रहा है, ये जीरो जीरो इनपुट पे जीरो आ रहा है, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे जीरो, और वन वन पे वन, तो ये और गेट की तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये डिजिटल सर्किट लिया है, ये नॉर गेट है, एक सिंगल इनपुट के द्वारा यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो वाई मिलेगा, तो इसकी हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ए को जब हम जीरो लेंगे तो ये दोनों इनपुट जीरो हो जाएंगे, और इसकी जो और नॉर वैल्यू होगी वो वन होगी, और ए को जब वन लेंगे तो इसकी नॉर वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो ए इनपुट जब जीरो है तो वाई आउटपुट वन मिल रहा, और ए इनपुट वन पे वाई आउटपुट जीरो, तो ये नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। अब देखिए हम इस डिजिटल सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर ये नॉर गेट है और ये भी नॉर गेट है, तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये इनपुट ए और ये बी, यहां से ये आउटपुट मिलेगा, इनको मैंने ए डैश बी डैश लिखा है, तो ये एक ही आउटपुट यहाँ से आएगा, ये एक्स ही ए डैश बी डैश में कन्वर्ट होगा, और ये फाइनल आउटपुट वाई होगा। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए जब हम ए पे इनपुट जीरो लेंगे और बी पे जीरो, तो जीरो जीरो की जो नॉर वैल्यू होती है वो होती है वन, तो ये ए डैश बी डैश ये दोनों वन वन हो जाएंगे, क्योंकि ये आउटपुट यहाँ से वन मिलेगा तो ये वन वन हो जाएगा। अब वन वन के लिए जब हम नॉर वैल्यू लिखेंगे तो वन वन की जो नॉर वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वन वन का और होगा वन और वन का नॉट जीरो। फिर ए को इनपुट हम जीरो लेते हैं, बी को वन लेते हैं, तो यहाँ पर ये नॉर है तो ये जीरो और वन का और होता है वन, और वन की नॉट वैल्यू जीरो, तो ये दोनों इनपुट जीरो हो जाएंगे। और जब जीरो जीरो यहाँ पर इनपुट होगा तो यहाँ से जीरो जीरो की और वैल्यू जीरो मिलेगी, जीरो की नॉट वैल्यू वन, तो ये नॉर वैल्यू आ जाएगी वन। जब ए को इनपुट हम वन देंगे और बी को जीरो देंगे तो ये जीरो वन की और वैल्यू होगी, वन वन की नॉट वैल्यू जीरो, यानी नॉर वैल्यू जो आएगी ये जीरो जीरो हो जाएगी, और जीरो जीरो से जो नॉर वैल्यू मिलेगी ये वन मिलेगी। और जब यहाँ पर हम वन वन इनपुट देंगे तो वन वन के लिए और होता है वन, वन की नॉट वैल्यू जीरो, तो ये दोनों इनपुट यहाँ पर ए डैश बी डैश जीरो हो जाएंगे, और जीरो से जो नॉर वैल्यू मिलेगी वो वन मिलेगी। तो जीरो जीरो इनपुट पे ये जीरो आ रहा है वाई आउटपुट, जीरो वन इनपुट पे आउटपुट वन मिल रहा है, वन जीरो पे आउटपुट वन, और वन वन इनपुट पे आउटपुट वन, तो ये जो आउटपुट है ये और गेट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम इस डिजिटल सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये सभी मैंने नॉर गेट लिए हैं, ये सभी नॉर गेट हैं, तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये इनपुट ए और ये इनपुट बी, यहाँ से ए से जो आउटपुट मिलेगा ये ए डैश लिख लेते हैं, और ये बी डैश, और ये फाइनल होगा वाई। तो इसके लिए जो हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, तो जो ए पे इनपुट को हम जीरो लेंगे तो जीरो से जो
यहां पर सिंगल इनपुट है तो जो नॉर वैल्यू मिलेगी वन मिल जाएगी, बी को जीरो लेंगे तो यहां से भी जो नॉर वैल्यू मिलेगी वन होगी, और वन वन से नॉर वैल्यू आएगी जीरो। अब ए को यदि अगर हम जीरो लेते हैं, बी को वन लेते हैं, तो जीरो की ये नॉर वैल्यू वन होगी, वन की जीरो, और इस वन और जीरो ए डैश बी डैश की वैल्यू, यहाँ से हम नॉर वैल्यू निकालेंगे तो वन जीरो का और होगा वन और वन का नॉट जीरो। ए को इनपुट वन लेंगे, बी को जीरो लेंगे, तो ये ए डैश जीरो हो जाएगा, बी डैश वन होगा, और जीरो वन इनपुट यहाँ पर ए डैश बी डैश है, तो यहाँ से नॉर वैल्यू जीरो आ जाएगी। और जब ए को हम इनपुट वन लेंगे, बी को वन लेंगे, तो ये जीरो जीरो मिलेंगे, और जीरो जीरो की जो नॉर वैल्यू होगी ये वन होगी, और ये ए इनपुट जीरो बी इनपुट जीरो पे वाई वन मिल रहा, जीरो वन इनपुट पे y 0 मिल रहा, 1 a पे इनपुट 0 y b पे 0, a पे 1 ले रहे हैं और b पे 0 ले रहे हैं, तो ये आउटपुट 1, और a पे इनपुट 1 b पे 1, तो ये 1 मिल रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये AND गेट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी ये डिजिटल सर्किट AND गेट की तरह वर्क करेगा।